फाइनली भाई आज चश्मा निकाल ही लिया मैंने। चश्मे पे भी बहुत फोक जम रही थी, दिल्ली से इसको लाए थे तो मैंने कहा भाई नहा धो लिया, तैयार हो गया। अब देखो लोकल घूमने का कोई चांस लग नहीं रहा यार, इतनी स्नो में। अभी मैं बाहर गया था शैम्पू एंड, देखना आप शैम्पू वाली वीडियो डालूंगा। इतनी ठंड में मैं बाहर गया था, मतलब मॉल रोड तक जाना तो पड़ेगा ही खैर, जूते वूते कस के, और ब्रेकफास्ट करना है बस, उसके बाद निकलेंगे हम बाहर। क्या है ना कि जब ऐसी स्नो होती है तो बंदा एक जगह स्टक हो जाता है, तो बहुत सारी वीडियो ऐसा लगता है कि सेम सेम बन रही है, वो वाला हिसाब बन रहा है। बाकी क्या कर सकते हैं भाई, स्नो और रेन दोनों ही हो रही है यहाँ पे, इसलिए जम भी रहा है और ठंड भी लग रही है। हालांकि नहा के बिल्कुल गर्म पानी करके नहाया हूँ, मज़ा आ गया। फिर से कॉलर माइक लगाना भूल गया। चलो अभी तो आवाज़ साफ ही आएगी, शांति पड़ी है चारों तरफ। और भाई कोई अभी मनाली आ रहा है तो ढंग से वो जो होती है ना पैराशूट वाली जैकेट, विंटर शील्ड, विंड शील्ड जो भी होता है वो लेके आना, कहीं ऊनी कपड़े ले आओ जिसमें पानी मतलब रुके ना, वो वाले कपड़े लाना। और अब हो सके तो ऑनलाइन बुक करा लेना, क्योंकि ठंड में चल नहीं पाओगे आप, ठीक है। और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है ऑनलाइन और उसमें भी, ये भी मैंने देख लिया। बट ये आप ऑफलाइन आते हो तो देख लेते हो कि भाई हम क्या चीज़ ले रहे हैं, ऑनलाइन में कई बार पता नहीं लगता। बाकी जो एलियो वाले हैं ना सनपाक वगैरह जो आईबीपो पे फर्स्ट आते हैं, वो काफ़ी दूर पड़ते हैं, और ये जो पड़ता है स्टार्टिंग में ही पड़ता है, यहाँ से बस स्टैंड वॉकिंग डिस्टेंस पे है और वन विहार भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसलिए हमें लगा तो हमने क्या ले लिया, बट सही काम चल गया, खाना भी इसका सही था, केडीज भी लाए। और लोकेशन आप इसकी देखोगे तो ये रास्ता जो जाता है वो पीछे मॉल रोड बस स्टैंड की तरफ चला जाएगा, तो किसी को अभी आप कहोगे केडीज मिला मैं रिकमेंड करता हूँ। थोड़ी सर्विस स्लो है इनकी, क्योंकि थोड़े अभी अनाड़ी टाइप है लोग होटल वाले, पर फिर भी गेस्चर अच्छा है भाई, और ठीक है, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। बाकी गर्म पानी भी सही आ गया था एंड में, खाना भी बहुत स्वाद था। एक्सपेंसिव तो आपको यहाँ हर जगह मिलेगा, अगर मतलब कहीं आप गलियों में ढूंढने जाओगे तो शायद ना मिले, पर आपको एक्सपेंसिव मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ऐसे मौसम में कोशिश करें यहीं से खाने। और आप बिल्कुल अगर बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो ओल्ड मनाली है, इससे आगे जाओगे मॉल रोड से तो ओल्ड मनाली में भी होटल ले सकते हो, वहाँ पे 500 रुपये में भी होटल मिल जाएगा। हम तो जब देख रहे थे तो 300 में भी मिल रहा था जब दिल्ली से देख रहे थे, पर हमें समझ नहीं आ रहा था बुक कराए ना कराए, तो हमने यहाँ आके कराया और 3 दिन का हमारा स्टे रहा बहुत अच्छा। और लोकल साइट सीइंग मुझे नहीं पता हो पाएगी या नहीं, होएगी तो ज़रूर अपलोड करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया यार वीडियो देखने के लिए, और गलती हुई तो माफ़, बाकी अपना दिल है साफ, नेचर ने जो अपना रूप दिखाया उसके भाई मज़ा ही आ गया। और मिलते हैं फिर, जो फाइनल ब्लॉग है सोलांग वाला वो मैं दिल्ली में एडिट करूँगा, अभी एक दो क्लिप आपको डाल रहा हूँ कि आपको अपडेट मिलती रहे मनाली की इन्फॉर्मेटिव, जो फाइनल ब्लॉग है वो दिल्ली में डालूँगा मैं जाके, ठीक है जी। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना।